तो आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि बड़े बड़े क्रिएटर अपना फोटो एडिटिंग करने के लिए लाइटरूम मोबाइल ऐप्स का यूज करते हैं। आप लोग भी लाइटरूम मोबाइल ऐप्स यूज करते होंगे फ़ोटो एडिट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों जैसा फ़ोटो एडिटिंग नहीं हो पाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वे सारा क्रिएटर अपना फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए बहुत सारा ट्रिक एंड हैक्स का यूज करते हैं, जो कि आप लोग की शायद ही कुछ पता होगा। आज मैं इस वीडियो में लाइटरूम मोबाइल ऐप्स के कुछ ट्रिक एंड हैक्स के बारे में बताऊंगा। तो इस ट्रिक के मदद से आप लोग भी फोटो एडिटिंग हाई क्वालिटी फुल HD कर पाएंगे। तो आप भी एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो कभी ना भी अपने फ़ोटो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। HD कितना एडिटिंग किए हैं तो देख सकते हैं आप लोग भी कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है। तो हम लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखते हैं, तो हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कर लिया लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन, एंड ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का फोटो है। तो ये ओरिजिनल पिक्स, तो हम लोग इसको करेंगे एडिटिंग लाइटरूम एप्स में। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही ब्लैक है, तो हम लोग प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। इसी फ़ोटो को हम लोग हाई क्वालिटी फ़ोटो एडिटिंग करेंगे तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं कितना ब्लैक है। तो सबसे हम लोग को पहले फ़ोटो इंसर्ट करने से पहले हम लोग को देखना है अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में क्या मांग रहा है। तो हम लोग को फ़ोटो में जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा ही ब्लैक है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा ही ब्लैक है तो इसमें हम लोग को लाइट देंगे, कुछ ज़्यादा ही लाइट कम है तो हम लोग इसमें लाइट देंगे। लाइट देने के बाद देख सकते हैं कि वो जाना होगा एडिट मेनू में। तो हम लोग जाएंगे एडिट पर क्लिक, एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग का आना होगा लाइट पर क्लिक। तो हम लोग यहाँ से करेंगे लाइट पर क्लिक, एंड लाइट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं तो काफ़ी हम लोग सबसे पहले तो इतना इंक्रीज कर को तो हम कुछ इतना कर लेते हैं। देख सकते हैं एक क्लिक की मदद से कितना अपने बैकग्राउंड में लाइट आ रहा है। तो हम लोग इसको कर लेंगे कुछ इंक्रीज कर का कुछ 21.60। तो हम लोग 1.60 रख लिए, एंड 60 रखने के बाद हाईलाइट को कुछ इसको इंक्रीज कर इसको कर लेंगे माइनस, इसको कर लेंगे माइनस सेवन या 60 के आसपास रख लेंगे। एंड इसको रखने के बाद आप चले जाइए शेडो पर क्लिक, एंड शेडो पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इसको भी माइनस कर लेंगे। एंड माइनस करने के बाद फिर से आना है आपको वाइट्स, वाइट्स में आने के बाद थोड़ा सा इसमें दे देंगे लाइट, एंड वाइट्स को प्लस रख लेंगे 30 के आसपास। तो इसको भी इंक्रीज करके इसको थोड़ा सा माइनस 60 चाहिए। एंड देख सकते हैं आफ्टर बिफोर कर देख सकते हैं कुछ ऐसा फोटो दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक दे रहा है तो कुछ वाइट है। तो फिर से हम लोग को जाना होगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कलर्स, तो आप लोग को दिख रहा होगा कलर्स, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद कुछ अपने बैकग्राउंड में कलर वगैरह भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं कलर वगैरह एडजस्ट। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्लिक, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को मिक्सिंग। तो मिक्सिंग पर करने क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ी आप लोगों को दिख रहा ऑरेंज कलर जो दूसरे नंबर पर है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कुछ इतना इंक्रीज कर इसको अपने अनुसार कर लेना है सेट। एंड सेट करने के बाद फिर से रेड पर क्लिक करने के बाद कुछ हम लोग माइनस इतना रख लेंगे 28 के माइनस आसपास रख लेंगे। तो फिर से आना होगा आप लोगों को येलो पर कर लेंगे क्लिक, एंड येलो पर क्लिक करने के बाद इसको देखते हैं हाई को कर लेंगे पूरा 100, एंड 100 करने के बाद फिर सिचुएशन को कर लेंगे हम लोग -50 के आसपास, एंड 50 के आसपास रख लेना है, एंड 50 या 70 के आसपास फोटो कर लिए सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ से कर लिए ओके पर करने के बाद यहाँ पर करना है कट, एंड कट करने के बाद फिर से हम लोग को जाना होगा एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो स्नैपचैट, तो जो लाइटरूम एप्लीकेशन में सेव किए थे उसको हमने किया स्नैपचैट में ओपन करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ से जाना होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस आइकन पर हम लोग करना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आपको जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है तो वहाँ वहाँ हम लोग करना है एडजस्ट। तो हम लोग इस हम लोग देख सकते हैं कुछ इसको कर लेते हैं हम लोग जूम। एंड जूम करने के बाद यहाँ पर इसको कर लेते हैं इतना। एंड अब जहाँ जहाँ ब्लैक दिखाएगा उसको स्क्रोल कर कर जूम आउट कर कर वहाँ पर कर लेंगे, थोड़ा लाइट दे देंगे। लाइट देने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके जहाँ जहाँ आप लोगों को ब्लैक दिख रहा होगा वहाँ पर कर लेना है वाइट। एंड वाइट रखना के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो फिर से आप लोग को जला प्लस के आइकन पर इस पर करना है क्लिक। टोन इमेज पर क्लिक करने के बाद इसको अपने अनुसार इसको कर लेना है कुछ इतना और इसको कुछ इतना कर लेना है। और देख सकते हैं अपने अनुसार इंक्रीज इधर उधर कर कर देख लेना अपने फोटो के अनुसार। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से दे देना थोड़ा सा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया है। तो हम लोग काफ़ी देख सकते हैं आफ्टर बिफोर कर कर कुछ ऐसा था फिर से कुछ ऐसा हो गया। तो फिर से इसमें से तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे सेव एक्सप्लोजन पर यहाँ पर करना है। यहाँ पर कर लेंगे हम लोग सेव। इस फोटो को सेव करने के बाद फिर से आप लोग को जाना फोटो को सेव करने के बाद फिर से हम लोग को जाना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। फिर से हम लोग यहाँ से करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन। एंड ओपन करने के बाद फिर से उस फोटो को करेंगे सेलेक्ट जो फोटो अभी सेलेक्ट है जो फोटो अभी सेलेक्ट में वहाँ से फिर से इंसर्ट कर लिए। एंड इंसर्ट करने के बाद फिर से आप लोगों को जाना होगा लाइट में। लाइट वगैरह फिर से थोड़ा देंगे लाइट। एंड देख सकते हैं हम लोग कुछ इतना लाइट दे देंगे। तो फिर से आप लोगों को जाना होगा कलर्स में। कलर्स में जो आपके जाने के बाद मशीन पर क्लिक करने के बाद फिर से आना होगा ग्रीन। ग्रीन पाने के बाद इसको हाई को थोड़ा कर लेंगे माइनस इतना। एंड माइनस इतना रखने के बाद देख सकते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड है कुछ ऐसा हो गया आफ्टर बिफोर कर कर। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे सेव। यहाँ से कर लेंगे हम लोग फोटो को सेव। तो आप देख सकते हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में कितने अच्छे से फोटो एडिटिंग हुआ है। तो कुछ ऐसा फोटो ऐसा था कुछ मिनट में कुछ ऐसा एडिटिंग हो गया। तो अभी फोटो एडिटिंग लाइटरूम एप्लीकेशन में करना चाहते हैं तो यहीं से कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको